यहाँ यशोदा माता दूध चलाती थी, ऊपर रही लगती थी, नीचे माट रहता था। ये सब दीपक रखने का स्थान है, ये मेन झूला का स्थान है भगवान का, 52 सोने का झूला भगवान का यहाँ पड़ता था, ऊपर कुंदा रहता था, इन सब में हीरा पन्ना जड़ित रत्न लगे हुए थे, जो दीपक का रोशनी उन पर पड़ता था तो नीचे रोशनी आता था, यहाँ भगवान को यशोदा माता झुलाती थी। मित्रों, ये तो आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस की जेल में हुआ था, और उसी रात श्री कृष्ण जी के पिता वसुदेव जी कृष्ण जी को यमुना पार करके नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। लेकिन क्या आपको पता है गोकुल में श्री कृष्ण जी का वह प्राचीन घर आज भी उपस्थित है? तो चलिए आज के एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण जी के उस प्राचीन घर के दर्शन कराने, जहाँ श्री कृष्ण जी नंद बाबा और माता यशोदा के साथ रहते थे। दोस्तों, जब आप मथुरा से गोकुल आते हैं तो गोकुल बैराज पड़ता है। ये गोकुल बैराज है, इसमें 21 दरवाजे हैं। अगर इन 21 दरवाजों को बंद कर दिया जाए तो यमुना नदी को रोका जाता है यहीं से। यही है वो बहुत बड़ा बांध है। ये का विहार का भी आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। देखिए, यमुना जी के ज़्यादातर घाटों पर आपको नौकाएं मिल जाती हैं और आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। शाम का वक्त है दोस्तों, देखिए सूर्य नारायण की किस तरह से दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, चलते हैं गोकुल यात्रा पर। गोकुल में हम आपको नंद महल के दर्शन कराएंगे, नंद बाबा का घर दिखाएंगे, श्री कृष्ण जी का घर, जहाँ श्री कृष्ण जी 7 साल 52 दिन रहे थे। 52 दिन मतलब 1 महीने 22 दिन रहे थे। तो सबसे पहले गोकुल यात्रा में हम दर्शन करेंगे नंद भवन के, जिसे 84 खंभे वाला महल कहा जाता है। 84 खंभे हैं उसमें, अगर हम गिन के देखेंगे तो कभी ये 84 नहीं बैठेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नंद भवन के दर्शन करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है वही नंद भवन, वही पुराना स्थान, वही स्थान जहाँ कृष्ण जी रहते थे नंद बाबा और माता यशोदा के साथ। यह नंद भवन पुरानी गोकुल, यानी कि यहाँ पर दो गोकुल हैं, एक नई गोकुल और एक पुरानी गोकुल। तो पुरानी गोकुल जो है वो महावन है, तो महावन में है 84 खंभे के नाम से प्रसिद्ध यह भवन है, यह मंदिर है जिसे नंद भवन कहा जाता है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं उस स्थान के, जहाँ श्री कृष्ण जी बचपन में रहते थे नंद बाबा और माता यशोदा के। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी जी। जो 9 लाख गाय थी वो कोई मकान या खिड़का आदि में तो नहीं रह सकती थी। सही है। तो यहाँ ब्रज में दो ही वन सबसे बड़े थे, एक तो यमुना के उस पार जिसका नाम है वृंदावन, तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहते हैं, और ये महामानी बहुत घोर जंगल था जिसमें 9 लाख गाय रहती थी। गायों का जब यहाँ गाय रहती थी तो इस जंगल का नाम हुआ महावन, और जो गायों का समूह था, गाय को गऊ कहते हैं, समूह को कुल कहते हैं, इसलिए इसके क्षेत्र का नाम गोकुल भी हुआ, जो गोलोक धाम से ला करके रखा गया। स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ देव सभा की और इसका नाम गोकुल रखा है। तो ये जितना भी आपने अभी भैया वर्णन कर रहे थे, ये सब नंद किला है जिसके ऊपर नंद बाबा के जो परिवार, नंद राजा के यहाँ के जो गोकुलवासी थे, सब नंद किले के ऊपर रहते थे। 5,500 वर्ष प्राचीन ये स्थान है। तो आइए आपको कराते हैं दर्शन नंद भवन के। तो इस तरह से हम यहाँ प्रवेश करते हैं और सामने नंद भवन का रास्ता है। ये भगवान का घर है नंद भवन। मथुरा में भगवान का प्राकट हुआ, उनके पिता वसुदेव जी भगवान को इसी रास्ते से लाए थे, यहीं भगवान को छुपाया और योग माया को ले गए। यही वो स्थान है भगवान का घर नंद भवन। इसमें अंदर 84 खंभे हैं जो भगवान के समय के प्राचीन हैं। ये पारस पीपल का झाड़ है, भगवान जब गऊ चरा के आते थे तो यहाँ के इस वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। आज भी कार्तिक मास में इसमें 5 कलर का फूल आता है। ये वो वृक्ष है। हाँ, पारस पीपल का झाड़ है, भगवान गऊ चरा के आते थे तो इस वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। आज भी कार्तिक मास में इस पे 5 कलर का फूल आता है।
मनोकामना के लिए भक्त जो इसका परिक्रमा करते हैं। ये शंकर तपोभूमि है, जैसे आप लोग आए हम लोग आए भगवान का दर्शन करने के लिए, उसी प्रकार जब देवताओं को पता पड़ा तो सारे देवता अपने भेष बदल बदल के आए। इंद्र इंद्र लोक को छोड़ के आए, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक को छोड़ के आए, भगवान शंकर भी आए। यशोदा माता ने शंकर जी को दर्शन नहीं कराया तो ऐसी भूमि पर बैठकर शंकर जी ने यहाँ 3 दिन और 3 रात्रि तपस्या किया है। ये शंकर तपोभूमि है। देखोरी इकबाला जोगी द्वार हमारे आया है, अंग भभूत बगल मृग छाला गले शेष नाग लिपटाया है, ले भिक्षा निकरी नदरानी मुतियन थार सजाया है, और ले रे जोगी अपनी भिक्षा तेरे मेरा सोता लाल जगाया है। जब भगवान रूठ गए, चंद्रमा मांगने लगे तो शंकर जी को भगवान का दर्शन कराया, सोने की थारी में जल लिया यशोदा जी ने, शंकर जी का प्रथम पड़ा उस जल में, उधर से भगवान का पड़ा तो एक दूसरे का दर्शन हुआ। बोलो शंकर भगवान की। यही भगवान का घर है नंद भवन 84 खंबा। ये खंबे पिलर और सीलिंग छत वो भगवान के समय की प्राचीन है। ये सब खंबे खंडित है, मुगल सम्राट हुआ औरंगजेब बाद से आक्रमण किया, सब खंभों को खंडित किया। ये सब भगवान का रास मंडल का चिन्ह था। अब अंदर आइए। ये यशोदा माता का दूध चलाने का जगह है। यहाँ यशोदा माता दूध चलाती थी, ऊपर रही लगती थी, नीचे माट रहता था। 4 घंटी इस खम्भे से बसती थी और 4 घंटी इस खम्भे से, वो तो सोने की थी, सब लोग लूट ले गए। 800 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा है मुगलों का। ये प्राचीनता आज भी मिलता है। ये सब दीपक रखने का स्थान है, ये मेन झूला का स्थान है भगवान का, 52 सोने का झूला भगवान का यहाँ पड़ता था, ऊपर कुंदा रहता था। इन सब में हीरा पन्ना जड़ित रत्न लगे हुए थे, जो दीपक का रोशनी उन पर पड़ता था तो नीचे रोशनी आता था। यहाँ भगवान को यशोदा माता झुलाती थी, ये भगवान का झुलाने का स्थान है। ये भगवान का गर्भगृह का दर्शन है सामने। गोरे गोरे नंद बाबा हैं हमारे, गोरी गोरी यशोदा जी हैं, बीच में भगवान के बड़े भाई ब्रज के राजा बलराम जी हैं, दाऊ जी हैं, स्वयं धरती से उत्पन्न है धरणीधर सच्चा देव है। भगवान कृष्ण झूला में मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के हितकारना। यहाँ भगवान का झूला करने से मनसा वाचा कर्मणा दोष अपराध दूर होता है। घर में पुत्र नाती पोता का झूला झूलता है, मंगल कार्य होता है, मन की मनोकामना मांगते हैं, अन्न धन पुत्र लक्ष्मी भक्ति मुक्ति बिजनेस व्यापार ये ठाकुर जी पूरा करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। क्या लाखों यात्री आते हैं भगवान को झुलाने के लिए। यहाँ भगवान को जन्माष्टमी नाम से माखन मिश्री भोग लगता है। जगन्नाथ में भगवान को दाल चावल खिचड़ी महाप्रसाद चढ़ता है, बद्रीनाथ में कच्ची चना की दाल स्वर तुलसी पंचमेवा का भोग लगता है। यहाँ भगवान गोपी से लूट के माखन मिश्री खाए। यहाँ भगवान को कृष्ण जन्माष्टमी नाव से गोकुलाष्टमी नाव से माखन मिश्री भोग लगता है। एक ग्रुप एक साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है। कोरोना काल हुआ जब से, ये लोग निकलेंगे फिर बाहर वाला ग्रुप आएगा। हर ग्रुप को यहाँ 5-10 मिनट दिया जाता है पूजा के लिए। अब आप लोग आ गए। यही भगवान का झूला है, इसी के लिए यह संसार आता है ठाकुर जी के लिए। गोरे गोरे हमारे नंद बाबा है, गोरी गोरी माता यशोदा जी है, बीच में भगवान के बड़े भाई हैं बलराम जी। ये स्वयं धरती से उत्पन्न है, स्वयं भू हैं, हाथ में माखन मिश्री का गिलास है, सिर के ऊपर 7 फन का शेष नाग है, थोड़ी में औरंगजेब का दिया हुआ हीरा का कड़ी है, और झूला में भगवान मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के हितकारना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ये सब हमारे खम्भे हैं, बोले 84 जाते हैं लेकिन इनका आज भी विशेषता है, गिनती में नहीं आते हैं। गोवर्धन गिरिराज जी, यमुना जी, ब्रज 84 कोस का भूमि, 84 खम्भे। जो प्राणी समय के अभाव में कारण बस ब्रज 84 कोस का पांव से पैदल परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, गोकुल आते हैं, भगवान का झूला झुलाते हैं, 84 खम्भा का परिक्रमा करने से ब्रज यात्रा साक्षी होता है, ऐसा इसका मान्यता है। ये भगवान के सब 2400 कला अवतार के चिन्ह थे। जो भगवान का 24 अवतार हुआ है वो सब चिन्ह थे, ये सब खंडित किया है। ये मोहिनी रूप है भगवान का, जो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है।
कोई कोई खम्मा तो उन लोगों ने काट के भी देखा है, कई खम्भों में अंदर कुछ है तो नहीं, तो एक आध खम्मा या कटा हुआ भी है बीच में से। ये देखिए ये खम्मा कटा हुआ है। हाँ ये खम्मा कटा हुआ है। हमारे खम्भों में एक विशेषता है जो है 84 गिनती में भी नहीं आते हैं और प्रत्येक खम्मा एक जैसा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें होगा, हर खम्भे में कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा। इनको अगर हम गिन के देखें आप गिन नहीं पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। वैसे होंगे ज्यादा होंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे, मतलब 84 नहीं होंगे, बोले 84 जाते हैं 84। तो पंडित जी ये बताइए 84 खम्भों का ये क्या, 84 ही क्यों इनकी संख्या? ऐसा हुआ था जब नंद बाबा यशोदा मैया व्रत थे तो उनका इच्छा था व्रत 84 को उस परिक्रमा देने का, लेकिन वो असमर्थ थे चलने में, तो भगवान ने जब विश्वकर्मा को आदेश दिया ये 84 खम्भों का स्थापना कराया। तो आज भी यही मान्यता है, भक्तों लोग यही मानते हैं, समय के अभाव में या कारणवश या स्वास्थ्य की वजह से जो लोग पांव से पैदल परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, गाड़ियों से करते हैं, गोकुल आते हैं, भगवान का झूला झुलाते हैं, 84 खम्मा का परिक्रमा करने से ब्रज यात्रा साक्षी होता है। ये भगवान का घर प्राचीन है, 5,500 वर्ष प्राचीन। ये बलराम जी का पुराना झूला का स्थान है, वो कृष्ण का जो दिखाया आगे, ये बलराम जी का है। और अभी आपको आगे मैं बतलाऊंगा, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में छठी पूजन होता है, मान्यता है बच्चा 6 दिन का होता है ना, तो शुद्धिकरण के लिए छठी पूजन किया जाता है, उसी प्रकार ये कृष्ण बलराम का यहाँ छठी पूजन है, यहाँ भगवान का छठी पूजन हुआ है, ये वो स्थान है छठी पूजने का। यहाँ भगवान की छठी पूजी थी, छठी पूजन स्थान है, आप देख सकते हैं। 4 खम्मा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लाके लगाया है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, वो समुद्र मंथन की रस्सी का निशान है, ब्रह्मा जी का मुख है और अमृत का गड़ा है। अच्छा ये पंडित जी क्या रस्सी का निशान? हाँ समुद्र मंथन हुआ था ना सतयुग में, जी जी जी, समुद्र मंथन की रस्सी का निशान है उस श्याप का, उसका ब्रह्मा जी का मुख और अमृत का गड़ा है। हाँ इसको लोग ओम कह के गले लगाते हैं, ओम। जी जी जी। ये त्रेता है, त्रेता युग। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और सूर्यमा का आकृति है, ब्रह्मा जी का मुख है, अमृत का गड़ा है, और ये भगवान उर्ध्वकुंड धारण करते हैं, भगवान श्री राम तिलक लगाते हैं, भगवान श्री राम के तिलक का निशान है, सीताराम कह के लोग भेटते हैं, सीताराम खम्भे को सीताराम कह के गले लगाते हैं। द्वापर है, ये द्वापर है, चंद्रमा का आकृति है, भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, चंद्रमा का आकृति, ब्रह्मा का मुख, अमृत का गड़ा, ये मोर पंख का निशान है, भगवान ने सिर पे धारण किया है, मोर पंख जो भगवान श्री कृष्ण ने सिर पे धारण किया है कोई मोर पंख का निशान है, इसको लोग राधे श्याम कहके गले लगाते हैं। और ये कलयुग है सामने, अभी इसमें कोई अवतार नहीं है। अच्छा ये बीच में है कलयुग, तो ये 4 खम्भे जो है 4 युग के प्रतीक माने जाते हैं, अभी कलयुग में कोई अवतार नहीं है। प्रकार ये भगवान का बाल लीला का जगह है, यहाँ सामने भगवान का रास गद्दी है, भगवान गोपियों के साथ बाल लीला करते थे, वो स्थान है। इस गली को बोलते हैं माखन चोर गली, भगवान जब माखन चुराते थे तो दुबक्के बैठ के यहाँ खाते थे, तो इसको माखन चोर गली बोलते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर। ये हवा का जन चिन्ह है, बच्चा घर में होता है ना, तुम्हारे यहाँ कहते हैं ब्रजभाषा हाउ बुलाऊ, हाँ लाला बाहर मत जाइए हुआ खा जाएगा, तो वही हाउ बुलाऊओं का चिन्ह है, खम्भों पे हाउ बुलाऊ, तो यशोदा माता कहती थी लाला बाहर मत जाइए हुआ बैठो बाहर। ये वो स्थान पंडित जी, ये जैसे ये नीचे हमें दीवारों पे जो टाइल्स दिख रही है इन पे नाम लिखे हुए हैं, तो इन नामों के बारे में बताएंगे? ये जो लोग यहाँ गोकुल आते हैं, यहाँ भगवान को भोग लगाते हैं, तो उनका इच्छा होता है कि हम अपने माँ बाप को शरीर के द्वारा यहाँ नहीं लाए ब्रज में, तो उनका नाव वास कराते हैं, तो साधु संतों का रज पड़ता है, ब्रजवासियों का रज पड़ता है, यमुना का जल पड़ता है, तो उनको सदगति प्राप्ति होती है, ये अपनी भावना का। कोई लोग दीवाल पे भी लगवाता है, कोई लोग कहता है हमारा दीवाल पे नहीं लगाना, हमारा नीचे ही लगाना, तो नीचे भी लगाया जाता है। ये लोगों की भावना है कि शरीर से हम ब्रज में वास नहीं कर पाए, हमारा नाम वास करे, हमको एक मन मंदिर बनाने का फल मिले, ये महत्व है इनका। पंडित जी और यहाँ पर जो ये नंद भवन है जी, तो और कौन कौन से स्थान हैं यहाँ? अभी यहाँ तो ब्रह्मांड घाट 1 किलोमीटर आगे, यहाँ भगवान ने मिट्टी खाई थी, भगवान ने विश्वरूप ब्रह्मांड का दर्शन कराया, उससे 1 किलोमीटर जस्ट आगे है चिंतारण घाट, चिंतारण महादेव। हाँ
वो चिंतारण महादेव का महिमा ये है, जब भगवान ने मिट्टी खाई थी ना, यशोदा माता को मुख फाड़ के दिखलाया तो उसमें अखंड ब्रह्मांड का दर्शन कराया। यशोदा माता को शंका हो गई कि ये मायावी राक्षस तो नहीं, कोई भेष बदल के आ गया वो मेरे लागरा को कंस ने। तो वहाँ शंकर जी ने यशोदा माता का चिंता हरा है, इसलिए उसका नाम चिंतारण घाट है। आज भी वहाँ शिवलिंग जो है वो द्वापर से ही प्रतिष्ठित है, और उस शिवलिंग में, एक ही शिवलिंग में जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग का जल चढ़ाने का महत्व होता है। उसी प्रकार हमसे 1 किलोमीटर जस्ट पीछे है रमण रेती। रमण कहते हैं खेलना, रेती कहते हैं मिट्टी को। तो रमण भगवान जब गऊ चराने के लिए जाते थे तो वहाँ गऊओं को छोड़ देते थे जंगल में, वहाँ उस रेती में लेटते थे। तो आज भी बोलते हैं रमण रेत लेटा नहीं किया न यमुना पान, हे नृप जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। तो वहाँ लेटने का महत्व होता है, यहाँ भगवान को झुलाने का होता है, यहाँ ठाकुर जी को झुलाने से घर में सदा पुत्र नाती पोता का झूला झूलता है, मंगलकार होता है, घर में पुत्र शोक नहीं होता है। ब्रह्मांड घाट पे आप लोग कहीं भी जाएंगे अलग अलग प्रसाद मिलेगा, ब्रह्मांड घाट पे भगवान ने जो मिट्टी खाई है वो आपको मिट्टी का प्रसाद मिलेगा। अच्छा, ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी का प्रसाद मिलता है जी। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है कि पूरे संसार में कहीं पे भी आप चले जाओ मिट्टी का प्रसाद आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रह्मांड घाट पर आपको मिट्टी का प्रसाद मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रह्मांड घाट और चिंतारण महादेव जी के दर्शन कराएंगे और आपको रमन रेती के भी दर्शन कराएंगे। गोकुल में भगवान 7 वर्ष 52 दिन रहे थे। 7 वर्ष 52 दिन रहे थे भगवान गोकुल में। यहाँ बाल लीलाएं की, कंस के भेजे हुए 7 राक्षसों का उद्धार किया। हाँ, जब कंस को पता हुआ, योग माया ने आकाशवाणी किया, हे पापी कंस तू मेरे को क्या मारता है, तेरे मारने वाला कृष्ण गोकुल में झूला में झूलता है। तो कंस ने सब अपने मायावी राक्षसों को बोल दिया, जो भी कृष्ण को मारेगा या देवकी के पुत्र को मारेगा, देवकी वसुदेव के पुत्र को मारेगा, उसको मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। सबसे पहले पूतना आई आंचल से विष लगा के, अकासुर बकासुर बक्षासुर कागासुर धेनुकासुर, ऐसे इस प्रकार 7 मायावी राक्षस यहाँ गोकुल में आए भगवान को मारने के लिए। भगवान ने सबका उद्धार किया है। यहीं भगवान माखन चुराए, भगवान गोपियों का मटकी फोड़े हैं, उखली से हाथ बांधा, यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार किया, रमण रेती में लेट कराए, ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाए। ये भगवान का बाल लीला का जगह है। ये यमुना ओपार से बैराज जो आप लोग देख के आए, यमुना ओपार से चालू होता है गोकुल और चिंतारण घाट तक, ये सब गोकुल ही बोला जाता है। जो पहले गोकुल पड़ता है वो श्रीमद गोकुल है। आज से 550 वर्ष पहले बल्लभकुली संप्रदाय के आचार्य हुए महाप्रभु बल्लभाचार्य, जब वो लोग यहाँ आए थे उस समय हमारे हिंदू धर्मों के तीर्थ लुप्त थे, मुगल काल था, जगह जगह मुगलों का शासन था, तो ये लोगों ने इनका उत्पत्ति किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु हुए, बल्लभाचार्य जी हुए, रामानंदाचार्य जी हुए, इन लोगों ने दोबारा हमारे ग्रंथों का उत्पत्ति किया, हमारे तीर्थों का उत्पत्ति किया। तो वो यहाँ आए थे उस समय, यहाँ मुगल काल था तो उनको यहाँ ठहरने नहीं दिया, वहाँ हिंदुओं में विरोध हुआ, तो उसको देखते हुए जमुना किनारे 550 एकड़ भूमि वहाँ उनको मुगलों ने दिया है। तो वो श्रीमद गोकुल है, आज से 550 वर्ष पहले उसका स्थापना हुआ है। बाकी ये सब है गोकुल, ना ये गोकुल ना वो गोकुल, सारा ही गोकुल है। प्राचीन गोकुल ये है जिसको महावन के नाम से जाना जाता है। प्राचीन गोकुल महावन, महा माने बड़ा और वन माने जंगल, इसको संस्कृत में बोलते हैं बृहद वन। इसका वैवत पुराण में आता है, अभी आप लोग जब इंटर करेंगे वहाँ लिखा हुआ है एक सारांश, बृहद वन के अंतर्गत ही गोकुल आता है। ये वही स्थान है, आज इसको महावन बोलते हैं, उस समय इसको बृहद वन बोलते थे। हमारे यहाँ 84 कोस में 24 वन बताए जाते हैं, 12 वन यमुना के ओ पार हैं, 12 वन ये पार हैं, इसी में लो वन है, ताल वन है, ऐसे इत्यादि मधु वन है इत्यादि, ये सब उसी में आते हैं। पूरे 84 कोस में 24 वन है। 24 वन में सबसे बड़ा वन था ये बृहद वन, इसको आज हम महावन के नाम से जानते हैं। वो उसका सारांश वही होता है, संस्कृत में उसको बृहद वन कहते हैं और हिंदी में उसको महावन कहते हैं। ये पुरानी गोकुल महावन है। पंडित जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम कन्हैया पाठक है, हम यहाँ सेवाएत हैं नंद भवन 84 खंभे। इसी मंदिर के सेवाएत हैं पंडित जी। नंद महल के पास में ही पूतना समाधि स्थल है जो श्री कृष्ण जी को मारने के लिए गोकुल में आई थी। अगले एपिसोड में आप पूतना समाधि स्थल को देखने वाले हैं। श्री कृष्ण जी के घर नंद महल का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार करने में हमारा सहयोग कीजिए। इसके लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सहयोग कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल इंडियन रील्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है,
तो मिलते हैं गोकुल यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।